जिस तरह हम कुंडली देख के, हथेली देख के लोगों की फ्यूचर, लोगों के बिहेवियर, लव लाइफ बता सकते, उसी तरह अंक ज्योतिष के माने तो हम लोग उसी तरह बहुत कुछ उस व्यक्ति के बारे में बता सकते हैं। आज मैं बात करूँगा मूलांक के बारे में। मूलांक एक, जिस व्यक्ति का जन्म 1 तारीख को, 10 तारीख को, 19 तारीख को और 28 तारीख को हुआ है, हम लोग उस व्यक्ति के बारे में असल बात करेंगे। उस व्यक्ति के बिहेवियर, उनको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, उनकी लव लाइफ कैरियर के बारे में, और जाते जाते एक रेमेडी भी दूंगा। तो अगर इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। इससे क्या होगा, मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँगा उसका फ्री नोटिफिकेशन आपके पास चला जाएगा। और लाइक और शेयर करना ना भूलें। इससे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचेगी वीडियो और इससे लोगों की मदद होगा। और नीचे कमेंट ज़रूर करना क्या इससे आपको कुछ फ़ायदा हुआ कि नहीं। तो देर ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। मैं जो चीज़ आज आपको बताऊंगा वो सब कुछ आपके अंदर होनी ही होनी है। अगर नहीं है तो उसका मतलब क्या है, आपको अपने अंदर झांकने की ज़रूरत है। ये डिपेंड करते हैं आपकी सराउंडिंग में है, एक्सटर्नल सराउंडिंग के कारण आप अगर वो सब चीज़ नहीं बाहर निकाल पा रहे हैं तो आपको चेंज करना ही पड़ेगा। अगर आपके कोई बहुत ज़्यादा एक राम कहानी चुनाए और कोई प्रोजेक्ट के बारे में बहुत ज़्यादा कुछ बताए, अगर आपका भाग्य एक है तो आपको उस बड़े सी प्रोजेक्ट का और बड़े सी राम कहानी का सेंटर पॉइंट आसानी से समझ में आ जाएगा। अगर आपको समझ में आ गया तो आप लोग समझ जाइए कि आप लोगों के अंदर ये क्वालिटी ज़रूर है। तो आमतौर पर जिनका भाग्य एक है उनके लॉर्ड होता है सूर्य, जिसके कारण सूर्य की तेज या सूर्य की शक्ति इनके अंदर होती है और इनको कहा जाता है शक्ति की प्रतीक। आप लोगों की आंखें बहुत ही चमकदार होती है, दृष्टि बहुत ही तेज होती है, चेहरे पे एक लाली होती है जिसके कारण आप दूसरों से अलग दिखते हैं और बहुत ही आकर्षणीय दिखते हैं। आप लोग बहुत ही रौबदार होते हैं, दांत मजबूत होते हैं, पंजे बहुत ही शक्तिशाली, ऑयल बिल्डअप होते हैं, आप आवाज़ में एक अलग बात होती है, रौबदार आवाज़ होती है और दूर से देख के आपको पहचाना जा सकता है। एक जैसी आप लोगों की एक अलग बात होती है, सेंटर ऑफ द पॉइंट होते हैं आप लोग, आकर्षण होते हैं, बहुत सारे लोगों में से आपको आसानी से पहचाना जा सकता है। आमतौर पे आप लोग सबसे आगे रहना बहुत ही पसंद करते हैं, आप लोग बहुत डिसिप्लिन होते हैं और डिसिप्लिनलेस होते हैं। आप लोगों के अंदर जोश की कभी कमी देखी नहीं जाती, बहुत जोश होता है आप लोगों के अंदर। आप लोग राजा की तरह रहना पसंद करते हैं, आप लोगों के अंदर साहस बहुत होते हैं और अभिमान स्वाभिमान बहुत होता है। आप लोग किसी के नीचे काम करना पसंद नहीं करते और सदा एक इंडिपेंडेंट इनकम करना पसंद करते हैं। आप लोगों के अंदर हीलिंग पावर होने के कारण आप लोग दूसरों की मदद करना, दूसरों को लेकर चलना, उनके घाव भरना आप लोग बहुत ही पसंद करते हैं। घर हो या बाहर आप लोग अपना बात मनवा कर छोड़ते हैं। आप लोग बहुत ही दिल वाले होते हैं और बहुत ही उदार दयालुवान बहुत होते हैं और पहले की तरह आप लोग हेल्प करना पसंद करते हैं। कभी कभी इसके कारण आपका नाम और जज आप अपना नाम बहुत दूर तक आसानी से ले जा सकते हैं, क्योंकि आप में एक अच्छी क्वालिटी भी होती है दूसरे की हेल्प करना। अगर मैं शिक्षा की बात करूँ तो आप लोग अगर शिक्षा में रुचि लेंगे तो आप लोग बहुत ही सफल हो सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा सफल हो सकते हैं। स्कूल में आप लोग एक बार मोनिटर ज़रूर होते हैं और कॉलेज में अगर यूनियन करेंगे तो यूनियन लीडर आसानी से हो सकते हैं, क्योंकि आप में एक लीडरशिप क्वालिटी होती है, आप में एक अलग जज्बा होता है, अलग रफ्तार बात होती है, इस कारण आप सभी से अलग दिखते हैं। आप परीक्षा में ठीक से पढ़ेंगे तो बहुत ही अच्छे नंबर से आप लोग पास करेंगे, लेकिन कभी कभी देखा गया है कि आप लोग जीत के कारण और पूरे संगत के कारण पढ़ाई छोड़ देते हैं, पढ़ाई अधूरा छोड़ देते हैं और बाद में पछताते हैं क्यों मैंने छोड़ दिया, लेकिन जताते नहीं। आमतौर पे आप लोग अगर बिजनेस की बात करो तो आप लोग ट्रेंड सेटर हैं।
आप लोग अगर बड़े बड़े कंपनी में जाएंगे, वहाँ से आप लोग बड़े बड़े मैनेजर को उठाएंगे, बड़े बड़े सीईओ को उठाएंगे, तो देखेंगे उसमें से आपको एक नंबर वाले मूलांक, एक नंबर वाले ज़रूर मिलेंगे ही मिलेंगे, क्योंकि आप लोगों के अंदर एक खास चीज़ होती है, खास क्वालिटी होती है। आप लोगों के अंदर क्रिएटिविटी बहुत होती है। आप लोग दूसरे से आदेश लेना पसंद नहीं करते, दूसरे को आदेश देना पसंद करते। आप लोग बहुत ज़्यादा लीडरशिप क्वालिटी लेके जन्मे हो, एक चीज़ आप में होती ही होती है। उम्र बढ़ते बढ़ते एक चीज़ और भी ज़्यादा डेवलप होती रहती है, जिसके कारण आप कभी कभी दूसरों की बात नहीं सुनते। एक बार आपको कोई चीज़ समझ में आ गई तो आप प्लान कर लिए, आपको पता है कौन कैसे काम करेगा, किसको कैसे काम कराना है, आपको वो चीज़ दिमाग में बैठ जाती है, एकदम फोकस हो जाते हैं आप लोग। आप लोग प्रशासनिक क्षेत्र में बहुत ज़्यादा नाम कमाते हैं। आप लोग सूर्य आपके कारक होने के कारण आप लोग शारीरिक क्षेत्र से मानसिक क्षेत्र में बहुत ज़्यादा जल्दी काम करते हैं। आप लोग जल्दबाजी में काम करना बहुत ज़्यादा पसंद भी करते हैं। अगर आप लोग ट्रैवलिंग करेंगे तो देखा गया है कि आप लोग ट्रैवलिंग में बहुत ज़्यादा नॉलेज गेन करते हैं। आप लोग मैनेजर, डायरेक्टर, कंप्यूटर रिलेटेड काम, आईएएस ऑफिसर, ब्यूरोक्रेटी में काम कर सकते हैं। सूर्य आपके कारक होने के कारण, मतलब स्वामी होने के कारण, सूर्य को कहा जाता है दवाई का कारक, जिसके कारण आप लोग डॉक्टर, डेंटिस्ट, सर्जन बहुत अच्छे हो सकते हैं। नाम कमाना यहाँ पर मैं बात नहीं कर रहा हूँ, आप लोग अच्छे डॉक्टर हो सकते हैं, दूसरों की मदद कर सकते हैं, हीलिंग पावर भी आप लोगों के अंदर होती है। इसलिए आप लोग अच्छे इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रिसिटी से लेकर कोई अच्छे काम भी कर सकते हैं, मीडिया में हो सकते हैं, मीडिया से रिलेटेड कोई काम, संवाद पत्र इसमें काम कर सकते हैं, फिल्म इंडस्ट्री में काम कर सकते हैं। आप लोग डिसीजन मेकर भी हो सकते हैं। आप लोग जॉब करिए, बिजनेस करिए या फिर कोई प्रोफेशनल लाइन चाहिए, आप लोग सब में अच्छे तरह से नाम कमा लेते हैं। आप लोगों के हाथ में पैसा तो बहुत आता है, लेकिन वो पैसा टिकता नहीं, क्योंकि आप लोग उधर दयालु होते हैं और पैसे को लुटा देते हैं, जिसके कारण सेविंग बहुत ही कम होता है। कभी कभी देखा गया है कि आप लोग जुआ में बहुत ज़्यादा पैसा लुटा देते हैं और अपने लाइफ का बहुत ज़्यादा समय भी नष्ट कर देते हैं, और बाद में पछताते भी बहुत ज़्यादा है। आप लोग बहादुर होते हैं और बहुत जल्दीबाजी में काम करना आप लोगों को पसंद भी होता है, और आप लोग सफल, मतलब एक मकाम को हासिल भी कर लेते हैं। आप लोग बहुत आशावादी भी होते हैं, आशा बहुत ज़्यादा रखते हैं। मैं कहूँगा इतना आशा दूसरों से मत रखिए, दूसरों से मत रखिए, क्योंकि आप लोग खुद कर सकते हैं, तो आप लोग खुद करिए। मैं आपको एक रेमेडी तौर पर भी ले सकते हैं। आप लोग दूसरे से ले आदेश लेना पसंद नहीं करते, दूसरे अगर आपको काम में बाधा दे, आप लोगों को एकदम भी पसंद नहीं, आप लोगों को एकदम भी पसंद नहीं आता। एक नंबर मूलांक वाले व्यक्ति आमतौर पर बाहर से बहुत सख्त और अनरोमांटिक दिखते हैं, लेकिन ये लोग अंदर से बहुत ही ज़्यादा प्यार के भूखे होते हैं। आमतौर पर ये लोग अगर लड़के हैं तो बहुत ही मैनली एटीट्यूड लेकर चलते हैं, और लड़कियाँ स्वीट और मैनली दोनों एटीट्यूड लेकर ही चलती है। यहाँ पर लड़कियों का मैनली का मतलब है, ये लोग लड़कों के पास हार मानते नहीं हैं और कंधे से कंधा मिलाकर लोग चलना पसंद करते हैं। ये सब एटीट्यूड के कारण, ये सब चीज़ के कारण लड़कियाँ और लड़के एक नंबर वाले मूलांक लड़के और लड़के से दूसरे जातक बहुत आसानी से आकर्षित हो जाते हैं, जिसके कारण ये लोग लव मैरिज के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और ये लोग प्यार के मामले में अगर बात करें तो बहुत ईमानदार, रॉयल और बहुत ही कमिटेड होते हैं। इसी इनकी तरह मिलना बहुत ही इम्पॉसिबल होता है। अगर ये लोग बहुत सारे अफेयर में चले भी जाए, लेकिन अगर किसी को एक बार पसंद आ गया तो आ गया, उसका हाथ कभी नहीं छोड़ते। अगर साइड हो गया, मतलब उस उनको लगता है कि ये बंदा बंदी मेरी टाइप की नहीं है, इसलिए पहले से ये लोग साइड हो जाते। अगर इन लोगों को लगता है ये मेरे लिए परफेक्ट है, तो ये लोग कभी भी उनका हाथ नहीं छोड़ते। अगर संतान की बात करें, इन लोगों को बहुत ज़्यादा संतान जन्म ये लोग देना पसंद नहीं करते। ये लोग एक या दो संतान रखना पसंद करते हैं, और इनका पालन बहुत बढ़िया तरीके का करना ये लोग पसंद भी करते हैं। और जाते जाते कुछ चीज़ आपको बताना ज़रूर चाहूँगा। पहली चीज़ बताना चाहूँगा,
आप लोगों के लिए रविवार सोमवार बहुत ही बढ़िया होता है। अगर हफ्ते में माने महीने में 1 तारीख को 10 तारीख को 19 तारीख को 28 तारीख को कोई भी शुभ काम कर आप लोग कर सकते हैं, क्योंकि ये सब दिन आप लोगों के लिए बहुत ही लकी होता है। आप लोगों के लिए तांबे का रंग, सोनाली रंग, पीला रंग, हल्का भूरा, ये सब रंग आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। कभी कभी ऑरेंज भी आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। आप लोगों को उस मूलांक से दोस्ती और रिश्तेदारी या फिर शादी करनी चाहिए जिन लोगों का मूलांक होता है 2, 4 और 7, ये आपके लिए बहुत ही शुभ होता है। तो आप इन लोगों के साथ दोस्ती कर सकते हैं। आप लोगों के लिए वो साल सबसे बढ़िया जाता है जिस साल का टोटल 1 होता है। जिस साल का आप लोग अगर रत्न यूज़ करने जाते तो आप लोगों के लिए पोखराज बहुत ही बढ़िया होता है। जाते जाते कुछ खास चीज़ आपको ज़रूर बताना चाहूँगा। आप लोग दूसरे की बात सुनिए, उस बात को आप लोग यूज़ करना चाहते हैं तो डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। इससे क्या होगा, दूसरे भी आपके पास ठीक से सुनेंगे, आप लोगों को मानेंगे, आपका नाम बहुत ही ज़्यादा बढ़ेगा। जल्दबाजी में काम करना बंद कीजिए, पैसे कम लुटाइए और सेविंग ज़्यादा कीजिए, क्योंकि आपके ज़रूरी है। और आप लोग अपना लक्ष्य फोकस को दूर मत हटाइए, उसके पास बने रहिए, जो आपके लिए बहुत बढ़िया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूले, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाए जिसके दूसरों को मदद होगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह मेरे बाकी वीडियो भी आप देख सकते हैं। शुक्रिया।